देखिए, ये जो आज जीत हुई है और यहाँ भी हमारे ऑफिस में एक जश्न हुआ है, ये जमहूरियत की जीत है। और इससे पता चलता है कि कांग्रेस जो पार्टी है वो कितनी सेक्युलर है और कितनी लोकप्रिय पार्टी है। आप देखते हैं कि जो राहुल जी ने पदयात्रा की 4000 जो मील चले, वो ये कोई मामूली बात नहीं थी। और मुझे लगता है ये पहला आदमी है जिन्होंने इतनी बड़ी यात्रा की है आफ्टर गांधी जी। और उन्होंने एक पैगाम दे दिया सारे लोगों के लिए। उन्होंने कहा नफरत हमारी पॉलिसी नहीं है, आपस में लड़वाना हमारी पॉलिसी नहीं है, हमारी पॉलिसी मोहब्बत की है और मोहब्बत से ही लोग जीते जाएंगे। और उन आपने देखा कि मोहब्बत से ही उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया, कर्नाटका से कश्मीर तक। और मुझे लगता है इंशाल्लाह ये जो जीत है ये उसी मोहब्बत की जीत है, नफरत की हार है। जो बीजेपी करा रहा था, कभी बजरंग दल की बात छेड़ी, कभी हिंदू मुस्लिम की बात छेड़ी, लेकिन उसी बजरंग ने, आज 13 तारीख है, उसी बजरंग दल ने इनको अपने ही उस जो उसका जो लट्टू था उसी की लट्टू से उसको जला दिया, वह अच्छी तरह पूछ से। को बताता हूँ कि 2024 में भी लोगों को अब समझ आ गई है, हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और हमेशा हिंदुस्तान में जो रही है पॉलिसी वो ये रही है हर मज़हब की इज्जत करना। लोगों में अब ये समझ आ गई, खासकर पढ़े लिखे नौजवान जो बेकार है आज। राहुल जी ने नफरत के दुकान बंद किए हैं, उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोले हैं। मोहब्बत की दुकान पर सब लोग आए हैं, वहाँ सबको मोहब्बत मिला है। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई स्टूडेंट वगैरह यूथ ने फैसला किया है उस मोहब्बत के दुकान पर कि हम मोहब्बत के दुकान पर ही जाएंगे और कांग्रेस को कामयाबी बनाएंगे, क्योंकि ये दुकान हमें कांग्रेस ने खोला है।